पूर्वैया ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं ज्योति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां की बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त के लिए ये खबर खुशखबरी बनकर आई है। दरअसल सरकार ने उनकी सजा कम कर दी है और वो 27 फरवरी को रिहा हो सकते हैं। हालांकि उनकी सजा 25 फरवरी को ही पूरी हो जाएगी। संजय दत्त आर्म्स एक्ट के दोषी पाए जाने के बाद जेल में 5 साल की सजा काट रहे हैं। वो फिलहाल पुणे की यरवदा जेल में है। सरकार ने उनकी सजा 105 दिन कम की है। आपको बताया कि संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें टाडा मामले से बरी कर दिया गया। हालांकि आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें दोषी पाया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा घटाकर 5 साल कर दी थी। तो एक्टर संजय दत्त के लिए एक अच्छी खबर, जहां पर बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं संजय दत्त। लगातार फिल्में भी हालांकि उन्होंने की है, और जब वो जेल में थे उस बीच भी वो एक फिल्म कर रहे थे पीके, और बाहर निकले थे उस वक्त जेल से कुछ दिनों की मोहलत लेकर वो। लेकिन एक खुशखबरी उनके लिए ये कि अब उनको 105 दिन पहले रिहा कर दिया जाएगा। और बात करेंगे अगली खबर की, खबर बक्सर से है, जहां पर बक्सर में छापेमारी के लिए पुलिस की टीम पहुंची। अपराधी के समर्थकों ने हमला कर दिया टीम पर, जिसमें कि बगेन थाना प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आईं। 3 थाने की पुलिस कई मामलों के आरोपी रिंकू यादव को पकड़ने के लिए खोचरिया गांव पहुंची थी, जहां पर पुलिस को देखते ही रिंकू के समर्थकों ने ईंट और पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस को बचाव में 5 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहीं इस बीच मौका देखकर अपराधी रिंकू यादव फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रिंकू यादव पर लूट, हत्या, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। एसपी ने जल्द ही रिंकू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। और बक्सर संवाददाता रवि मिश्रा हमसे जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। रवि, इस पूरी खबर पर अब और क्या अपडेट मिल रहा है आपको इस वक्त? बिल्कुल ज्योति, ये देखिए कि पुलिस पर जिस तरह से ये हमले की ये जो खबर आई है, ये पहली बार नहीं है बक्सर में। इससे पहले भी 2014 दिसंबर में भी हमले हो चुके हैं पुलिस पर, लेकिन अब पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और पुलिस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की दावा भी कर रही है। अब पुलिस ने एक संयुक्त टीम बनाया है और जिस जिस जगह पर अपराधी के छिपे होने की रिंकू यादव की आशंका है, उन तमाम जगहों पर अब लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये अपराधी जो है काफी कुख्यात अपराधी है और कई मामले इस पर भोजपुर में भी, बक्सर में भी और रोहतास में भी कई लूट, हत्या और डकैती जैसे, रंगदारी जैसे कई अहम मामले इसके ऊपर संगीन अपराध है इस पर, और इसको गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की जो पहली नजर है वो बनी हुई है ज्योति। बिल्कुल, तो एक कुख्यात अपराधी है और उसकी तलाश में लगातार पुलिस लगी हुई है। तो बक्सर में छापेमारी के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो अपराधियों के जो समर्थक थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि बगेन थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। उनकी स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है रवि? जो गंभीर जो थाना प्रभारी थे बगेन के, उनको सर चोट आई थी, हालांकि तत्काल उन्हें अस्पताल में इलाज कराया गया था। हालांकि अब स्थिति उनकी अच्छी है। जो पुलिसकर्मी है उन्हें भी हल्की फुल्की चोटें आई थी, उनका भी इलाज किया जा चुका है। लेकिन अब इसमें सबसे अहम ये हो जाता है ज्योति कि जिस तरह से पुलिस छापेमारी करने जाती है और अपराधी के जो समर्थक है वो हमला कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस भरोसा होता है कि पुलिस अपराधी को पकड़ेगी और समाज को भयमुक्त बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसे में अगर उसी पुलिस पर हमला होता है तो जो निश्चित ये चिंता का विषय है और पुलिस को इसको गंभीरता से लेना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मैं साथ जुड़ने के लिए रवि आपका। और इस बीच इसीलिए पुलिस ये लगातार अब दावा कर रही है कि जल्द से जल्द रिंकू को पकड़ लिया जाएगा और रिंकू के समर्थक जिन्होंने हमला किया है उनको लेकर भी पुलिस कार्रवाई का मन बना रही है। उनको भी पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार अब की जा रही है, ताकि आगे जाके जिस तरह से कुख्यात रिंकू को पकड़ने की बात सामने आ रही है उसको जल्द से जल्द पुलिस पकड़ पाए।
और बात करेंगे दानापुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर दानापुर के रुपसपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। दलालों के चंगुल से दो लड़कियों को छुड़ाया गया है, एक महिला समेत दो दलाल यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं एसएसपी मनु महाराज के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर दानापुर से, जहां दानापुर के रुपसपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, दलालों के चंगुल से दो लड़कियों को छुड़ाया गया है, साथ ही एक महिला समेत दो दलाल यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। इश्तियाक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, इश्तियाक क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? ज्योति बता दें, लगातार पिछले दो दिन पहले भी मनु महाराज के द्वारा एक अपार्टमेंट में छापेमारी की गई थी, जहां से तकरीबन एक छोटी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को वहां से रिहा कराया गया था और दो महिला समेत दो पुरुष को जेल भेजा गया था, यानी चार दलालों को जेल भेजा गया था। उसके बाद फिर आज अहले सुबह सवेरे से लगातार फिर अपने दलबल के साथ उस अपार्टमेंट में छापेमारी करते हैं और छापेमारी के दौरान फिर वहां से दो लड़कियों को मुक्त कराई जाती है और साथ ही वो दलाल को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये कहेंगे कि पटना में लगातार चल रहे सेक्स रैकेट पे मनु महाराज की नजर है और वो लगातार सेक्स रैकेट पे छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी में उन्हें उपलब्धियां भी मिल रही है, जिसका नजारा आज रूपस से लगाया जा सकता है। अहले सुबह छापेमारी की गई और अच्छे खासे में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी को लेके वो पटना निकल गए हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हो पाए हैं। अंदरूनी और क्या मामला आई है सामने, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जानकारियां मिल पाएगी। ठीक है इश्तियाक, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर अपडेट के लिए। और बात एक और बड़ी खबर की, खबर दानापुर से ही है, जहां पर दानापुर में शाहपुर के दरियापुर में लोगों ने पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर दी है, रोड जाम कर दिया है, लोगों ने पुलिस पर पिटाई करके पैसा छीनने का आरोप लगाया है। तो बड़ी बात है कि पुलिस पर ही लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इश्तियाक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इश्तियाक, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है वहां पर और संगीन आरोप लगा रहे हैं लोग पुलिस पर। जी ज्योति बता रहे, बिल्कुल खासकर दरियापुर की बात करेंगे, शिवाला मोड़ के पास दरियापुर में लोग सड़क पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिए हैं। ये लोगों का ये मानना है कि 1 तारीख को एक युवक को पुलिस पीटी थी और पीटने के बाद उससे तकरीबन 40,000 रुपए छीन लिया गया था, जिससे वो काफी गंभीर है और कोमे में है। कोमे के हालात में वो किसी नर्सिंग होम में एडमिट है और आज पुलिस के द्वारा उनकी बाइक दिखाई जाती है कि वो सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और उनकी बाइक है। इसको लेके लोग आक्रोशित हो जाते हैं और रोड पर आगजनी करने लगते हैं। महिला समेत बच्चे सारे लोग सड़क पर आ गए हैं। डीएसपी घटनास्थल पर पहुंच के लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ग्रामीण मानने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार पुलिस पर प्रवस्थित पीटने के आरोप लगा रहे हैं कि शाहपुर थाना के दरोगाओं के द्वारा हमेशा किसी न किसी बहाना लगाकर ग्रामीणों की पिटाई की जाती है और वो शख्स जो आज कोमे की हालात में भर्ती है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि पुलिस के द्वारा पिटाई की गई या एक्सीडेंट। लेकिन लोगों का आरोप स्पष्ट है कि बिहार में पुलिस जहां लोगों को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, वहीं एक अलग चेहरा नजर आ रहा है। ज्योति बहुत शुक्रिया इश्तियाक आपका पूरी जानकारी के लिए। और बात करेंगे नालंदा से आ रही बड़ी खबर की, नालंदा से 31 दिसंबर से लापता 9 साल का सुमित घर आ गया है। लहिरी थाना के शिवपुरी मोहल्ले से सुमित लापता हुआ था। तो सुमित 31 दिसंबर को लापता हुआ था और 9 साल का ये सुमित अब घर वापस लौट आया है। लहिरी थाना इलाके में शिवपुरी मोहल्ले में सुमित था और वहीं से उसके लापता होने की बात सामने आई थी। दीपक विश्वकर्मा नालंदा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक, अब सुमित घर वापस आ गया है, अब इस बात की कोई जानकारी हाथ लग पा रही है कि आखिर इतने दिनों तक सुमित कहाँ था, क्या उसका अपहरण कर लिया गया था? देखिए, ऐसा है कि आज तकरीबन 10-11 बजे इस लड़के की बरामदगी हुई है और ये घर लौटा है। जैसा कि पुलिस का कहना है कि इतने दिनों तक इसे एक साजिश के तहत कहीं रखा गया था और इसके पीछे इसे फंसाने की साजिश थी और इसे अपहरण का नाम देकर पिछले 2 जनवरी को इसके परिवार वालों ने काफी बिहार शरीफ में हंगामा किया था, तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके बाद इस लड़के की अचानक लौटने की बात बिल्कुल पुलिस के गले नहीं उतर रही है। पुलिस बड़ी गहन तरीके से बच्चे से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो इतने दिनों तक किसके साथ था, कौन इसे ले गया या फिर वह अपनी मर्जी से गया था। ये पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी तक नालंदा के एसपी जो है स्वयं इस मामले को देख रहे हैं और बच्चे से पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद ही इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
घर वाले क्या कह रहे हैं दीपक? देखिए, घर वालों को भी बुलाया गया है, उनकी माँ से पूछताछ चल रही है, उनके पिता से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि इस बच्चे का जो अपहरण किया गया था या फिर ये अगर खुद चला गया था, ये पूरी बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका। तो नालंदा से 31 दिसंबर को ही लापता हुआ था 9 साल का सुमित और घर अब अचानक वापस लौट आया है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है बच्चे से कि आखिर इतने दिन बच्चे को कहां रखा गया। हालांकि परिवार वाले भी इस बारे में कुछ फिलहाल बोल नहीं पा रहे। और बात करते हैं पाकुड़ की। पाकुड़ से बड़ी खबर है जहां पर आदिवासी युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। महेशपुर के रामनाथपुर गांव की एक घटना है जहां पर पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर पाकुड़ से जहां पर पाकुड़ में आदिवासी युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। महेशपुर के रामनाथपुर गांव की एक घटना है जहां पर पुलिस ने दो लोगों को अब हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोहन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। सोहन, आदिवासी युवक की चाकू मारकर हत्या की बात सामने आ रही है, क्या कह रही है पुलिस? जी, ये 16 वर्षीय आदिवासी युवक है, ये सोया हुआ था उसी वक्त अचानक से कोई इनके सीने में चाकू मार दिया जिससे घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। जब परिजनों ने सुबह उठा और उनको उठाने का कोशिश किया तो देखा कि सीना में चाकू लगा हुआ है, उनकी मौत हो चुकी है। फिर आनंद फानंद में पुलिस को खबर दी गई, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। जी ज्योति। चलिए, शुक्रिया आपका सोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकुड़ से खबर जहां पर आदिवासी युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, इसके बाद से पुलिस ने दो लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है और पूछताछ अब की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज पूर्व मुख्यमंत्री सीबू सोरेन की पत्नी रूपा सोरेन से मुलाकात की है और उनका हालचाल लिया है। सीबू सोरेन की पत्नी पिछले दिनों बीमार थी और वो इलाज के लिए दिल्ली गई हैं, जहां सीबू सोरेन के सरकारी आवास पर सीएम रघुवर दास ने उनसे मुलाकात की। तो सीबू सोरेन की पत्नी से सीएम रघुवर दास मिले हैं। आपको बताया कि कई दिनों से बीमार हैं सीबू सोरेन की पत्नी और वो दिल्ली में हैं। ऐसे में दिल्ली दौरे पर सीएम रघुवर दास उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और ये तस्वीरें उस वक्त की ही आपको दिखा रहे हैं। कई दिनों से सीबू सोरेन की पत्नी रूपा सोरेन बीमार थी, उनकी तबियत ठीक नहीं थी और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली पहुंचे हैं, अपने दिल्ली दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है उनके दिल्ली दौरे का और उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे। तो सीबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन से मुलाकात करने की मुख्यमंत्री की ये तस्वीर जो दिल्ली से सामने आई है। और अब बात रांची से आ रही अगली खबर की, जहां रफ्तार का कहर ट्रक ने देखने को मिला है और ट्रक ने मजदूर को कुचल दिया है। मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। तो बड़ी खबर जहां पर नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं, रफ्तार का कहर देखने को मिला है, ट्रक ने मजदूर को कुचल दिया है, जिसके बाद से लोगों का गुस्सा फूटा है। मजदूर ने मौके पर दम तोड़ दिया जिसके बाद से नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है और ट्रक ने पहले मजदूर को कुचला, जिसके बाद से लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोगों ने वहां पर ट्रक में आग लगा दी। तो एक बार फिर ये सड़क हादसे की खबर, जहां पर रफ्तार की वजह से ट्रक ने मजदूर को कुचल दिया और मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, मजदूर ने दम तोड़ दिया जिसके बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है। सन्नी शाद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सन्नी, एक बार फिर सड़क हादसे की खबर और रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिल्कुल, जिस तरह से घटनाएं घटी है और उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए थे और ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाई है। लोगों का मांग सिर्फ एक ही था कि जिस तरह से हमेशा से रफ्तार का कहर यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है, उससे मुक्ति मिले और लोग जिस तरह से हर दिन अपने जान गंवाने को मजबूर है इन सड़कों पर, उस पर लगाम लगे और जो ड्राइवर है, जो आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो।
शुक्रिया सन्नी आपका, बने रहिए आपके पास दूसरी खबर पर भी अपडेट के लिए लौट रहे हैं। तो अगली खबर की भी बात करते हैं, जहां ये सड़क हादसे की खबर है तो वहां एक और खबर सड़क हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। ये खबर भी रांची से है, जहां पर रांची में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में स्कूली छात्र की मौत हो गई है, लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी है। खलारी थाना क्षेत्र की ये घटना सामने आ रही है। सनी शरद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सनी, एक और मिलती जुलती खबर जहां पर ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद लोगों का गुस्सा फूटा है और वहीं इस हादसे में एक स्कूली छात्र की मौत हो गई है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए ये तीसरे कक्षा का छात्र था, उसके परिजन उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक ट्रक ने पीछे से गाड़ी में धक्का मार दिया, जिससे कि बच्चे की वहीं पर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी तोड़फोड़ किया, क्योंकि उससे पहले घटना घट चुकी थी बाजार टाउन में, और ये दूसरी घटना खलारी से मैकलुस्कीगंज जाने के रास्ता में घटी है। तो लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं फूटा था, और उसके बाद लोगों का यही लोगों की मांग थी कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है उस पर आखिर प्रशासन क्यों नहीं लगाम लगाती है, क्योंकि इन सड़कों में हमेशा से तेज रफ्तार में ट्रक चलती है और उन रफ्तार पर आखिर प्रशासन क्यों नहीं ब्रेक लगा पाती, इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सनी आपका। तो रांची से खबर जहां पर ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई, वहीं इस हादसे में एक स्कूली छात्र की जान भी चली गई, लोगों ने आक्रोशित होकर ट्रक में तोड़फोड़ की। ये घटना रांची के खलारी थाना क्षेत्र की है। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर छपरा से है, जहां पे छपरा में टीचर की हत्या की बात सामने आ रही है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर इस घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार तीन बदमाशों की ये करतूत बताई जा रही है। नया स्टेशन इलाके की ये वारदात है। तो बड़ी खबर जहां पर छपरा में टीचर की हत्या कर दी गई है, अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और कहा जा रहा है कि तीन बाइक सवार थे, गोली मारते हुए हत्या कर दी है इस टीचर की। राकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राकेश, क्या है ये पूरी घटना? जी देखिए, इंटरसिटी एक्सप्रेस से नया गांव स्टेशन पे जब ये कोठिया के रहने वाले हैं, जो अशोक कुमार सिंह शिक्षक बताए जाते हैं, जो नया गांव में ही पढ़ाते हैं, वो जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरे हैं वैसे ही घात लगा के पहले से अपराधी उनका इंतजार कर रहे थे, और वो जब स्टेशन से निकले तो उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी स्टेशन परिसर में। जी तो छपरा से खबर जहां पर टीचर की हत्या की खबर है। आप बने रहिए राकेश आपके पास, वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर भी अपडेट के लिए। तो अगली खबर भी छपरा से है, सड़क हादसे से जुड़ी खबर है, जहां छपरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई है। एक लड़की की मौत हो गई है इसमें और चार लोग जख्मी हो गए हैं इस हादसे में। गौरा थाना इलाके की ये घटना है। तो छपरा के गौरा थाना इलाके की ये घटना, ज्यादा जानकारी के साथ राकेश हमसे जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। राकेश, लगातार सड़क हादसों में इजाफा होता दिख रहा है, और एक और सड़क हादसे की खबर छपरा से, जहां ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई है। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह का कुहासा है, ये घटनाओं को कहा जाता है कि कुहासा घटनाओं को आमंत्रित करता है, और यही हुआ है। छपरा मसरख मुख्य पथ पे गौरा थाना के पास जो है, गौरा थाना के क्षेत्र में जो है एक हड्डी कारखाना है, वहां पे एक ट्रक और ऑटो में टक्कर हो गई, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई है और चार लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि लोग सदर अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है, और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी बने रहिए राकेश आपके पास, वापस लौटेंगे दूसरी खबर को लेकर। तो यहाँ सड़क हादसे की खबर छपरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक लड़की की जान चली गई है और चार लोग जख्मी हो गए हैं। गौरा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक मौत हुई है और चार लोग जख्मी है। और बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। खबर छपरा से है, जहां पे छपरा में सात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। सर्च अभियान के दौरान ये कामयाबी हाथ लगी है। तो बड़ी खबर छपरा से, जहां पर सात नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, और इस खबर की पुष्टि जो है वो जिले के एसपी ने की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। राकेश, सात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है छपरा से, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। निश्चित रूप से यह बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। और हम आपको बता दें कि 1 जनवरी नए साल के दिन ही आरा छपरा पुल पे जो नक्सली वारदात हुई थी, इसके बाद पुलिस काफी सक्रिय थे। और हम आपको बताएं कि एसटीएफ अभियान में जो है सर्च
वारंट ये निकाला है और वो सारे मतलब जंगलों में और जहां भी जगह ऐसे हैं जहां नक्सली रह सकते हैं उनके ठिकानों पर छापामारी की गई है। और एसपी से हमारे सत्यवीर सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और वो नक्सली है। और इसके बाद जो है जैसी जानकारी आएगी वो आगे की बात हम लोग बताएंगे। जी शुक्रिया राकेश आपका। तो छपरा में एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर छपरा में 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के एसपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। सर्च अभियान के दौरान ये कामयाबी लगी है पुलिस के हाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज शाम के 7 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में सीएम राज्यपाल को नए साल की शुभकामना देंगे। तो 7 बजे शाम में आज ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास अभी फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे से वो वापस लौटेंगे और मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम के 7 बजे राजभवन पहुंचेंगे वो, और मुख्यमंत्री शाम के 7 बजे जो है वो राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, नए साल की बधाई देंगे सीएम राज्यपाल को मिलकर। तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास शाम को 7 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में सीएम राज्यपाल को नए साल की शुभकामना भी देंगे। इससे पहले आपको बताया कि 1 साल रघुवर दास ने पूरे किए हैं और रघुवर सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद भी ये पहली मुलाकात होगी राज्यपाल से मुख्यमंत्री की। आशुतोष सिन्हा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री आज शाम के 7 बजे राजभवन पहुंचेंगे जहां राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे, किन मायनों में खास है ये मुलाकात? जी ऐसे तो मुलाकात आई है उसमें कहा जा रहा है कि औपचारिक मुलाकात है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा होना है 8 तारीख को, राष्ट्रपति झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं, यहाँ वो 2 दिन रहेंगे, 10 तारीख से शुरू तक उनको कार्यक्रम में यहाँ भाग लेना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, तो इन सब दौरों करके भी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये है कि मौका है कि झारखंड में जब से सरकार बनी है उसके बाद राष्ट्रपति का दौरा एक काफी महत्वपूर्ण दौरा है, यहाँ पे उन्होंने 2 कार्यक्रमों में भाग लेना है। और साथ ही नए साल में कहा जा रहा है कि राज्यपाल से औपचारिक भेंट नहीं हुई, तो उस मायने में भी है कि जो है कि नए साल की जो बधाई है राज्यपाल को मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। और राज्य में जो विकास योजनाएं चल रही हैं या जो भी योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी जो है राज्यपाल को दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं सीतामढ़ी से आ रही अगली खबर की, जहां सीतामढ़ी में हार्डकोर नक्सली राज मंगल सहनी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस उसके बाद इसके पास से बरामद किया गया है। रुन्नी सैदपुर थाना इलाके से पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां पर सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर इलाके से हार्डकोर नक्सली राज मंगल सहनी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं, पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस पुलिस के हाथ लगा है। त्रिपुरारी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। त्रिपुरारी एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार इस हार्डकोर नक्सली को ढूंढने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। बिल्कुल ज्योति, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सीतामढ़ी पुलिस के लिए। जो राजमंगल सहनी जिसे गिरफ्तार किया गया है वो कई मामलों में वांछित था, कई नक्सली हमले में वो शामिल रहा था और लंबे अरसे से तलाश थी इसकी। जो कल देर रात जो है इसके रुनी सैदपुर थाना पुलिस ने सैदपुर थाना क्षेत्र के तिलक ताजपुर गाँव है वहां से इसे गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। त्रिपुरारी, तो सीतामढ़ी में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से पुलिस ने पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो हार्डकोर नक्सली था राजमंगल सहनी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया।